परिवार का इतिहास नहीं पढ़ेंगे 12वीं के छात्र। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल अब स्कूलों में मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2023-24 में 12वीं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब में से मुगल चैप्टर हटा दिया गया है। पहले 12वीं के इतिहास की किताब में भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से लेकर शासक और मुगल दरबार चैप्टर होते थे, जो अब आपको नहीं दिखाई देंगे। इसी के साथ 11वीं कक्षा के सिलेबस में बदलाव करते हुए इतिहास की किताब में से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव और समय की शुरुआत चैप्टर को भी हटा दिया गया है। इसी के साथ नागरिक शास्त्र की किताब में भी परिवर्तन देखने को मिला है। वहीं स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलनों का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर भी हटाया गया है। इसके अलावा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति 2 की किताब से लोकतंत्र और विविधता, जन संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां पाठ हटाए गए हैं। मुगल दरबार के इतिहास के नहीं पढ़े जाने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति की विरासत है। हम सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से वंचित किया जा रहा था, बताया नहीं जा रहा था। अब हम अपनी असली संस्कृति लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति की विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं इस पर सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने कहा कि मुगल काल इतिहास मिटाना मुद्दा नहीं है। 5 अप्रैल को दिल्ली में लाखों किसान पहुँच रहे हैं और मुगल काल इतिहास तो बस बहाना है। 2014 से ये बात सही है कि बीजेपी आरएसएस इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को उसका भगवाकरण करने का काम कर रही है। लेकिन जो अभी ये मुगल काल का जो इतिहास मिटाना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इतिहास मिटाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि 5 अप्रैल को दिल्ली में पूरे देश भर से लाखों किसान दिल्ली में संसद को घेर रहे हैं और इस देश के शहंशाह से पूछने चाहते हैं, शहंशाह साहब, हमारी एमएसपी का क्या हुआ जो आपने वादा करके हमको धरने से उठाया था? हमारी जो नरेगा की 600 रुपया प्रतिदिन की डिमांड है, मांग, उसका क्या हुआ? शहरों में युवा रोजगार चाहता है, मजदूर किसान युवा चाहते हैं कि सरकार शहरी रोजगार योजना लेकर आए। सरकार जिस तरह से कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा देकर पूरे देश की संपत्तियों का बंदरबांट कर रही है, जिससे सबसे ज्यादा बाबा साहब के दिए हुए संविधान और आरक्षण पे हमला है, इन सब के खिलाफ जब लाखों लोगों का जब गुस्सा दिल्ली में पार्लियामेंट का घेराव है, तो श्री अमित शाह जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ध्यान पलटने के लिए कभी मदरसा, कभी धर्म परिवर्तन, कभी दंगे फसाद, बिहार से बंगाल का जो पूरा ये प्रकरण है, मकसद ये है कि इस देश में किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का जो गुस्सा है, कैसे से ध्यान पलटा जाए। आपको बता दें कि यूपी सरकार का ये फैसला शैक्षिक सत्र 2023-24 से लागू किया जा रहा है। इतिहास की किताब के अलावा अन्य विषयों में भी ये बदलाव देखने को मिला है।